पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिएगा, मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं मैं युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने समाज के लिए, अपने जो क्षेत्र की खोई अस्मिता है, जो क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जो लोगों की मांग है कि क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। मैं लगभग गांव-गांव जाकर के भ्रमण कर रहा हूं, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूं। मैं लगभग 1000 गाँव में अपनी मुरादाबाद लोकसभा में भ्रमण कर चुका हूं और मैंने लोगों से समस्याएं सुनी। जो समस्याएं उनकी मैं अपने स्तर तक हल कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, वरना जो नहीं हो पा रही हैं उनको मैं आगे सरकार के माध्यम से, अपने संगठनों के पदाधिकारियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान कराने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं मैंने क्षेत्र में घूम करके ये महसूस किया है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पानी। सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है, मोदी जी और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन जनता जो है वो जनप्रतिनिधियों से परेशान है और जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधियों में परिवर्तन हो। और अभी मैंने लगभग 1000 गाँव का दौरा किया, उसमें मुझे यही सामने आया कि अगर जनप्रतिनिधि नहीं परिवर्तित होंगे, जो पुराने ही जनप्रतिनिधि रहेंगे, तो अब की बार बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से आना है लोकसभा में, तो जनप्रतिनिधियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और युवाओं को अवसर देना पड़ेगा। और मेरी मोदी जी से और योगी जी से भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी से ये अपील है, निवेदन है कि युवाओं को अवसर दें। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि भाई युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, तो हम युवा तत्पर हैं, हमें अवसर दिया जाए, हम मांग करते हैं। और जो हम अपने क्षेत्र में इस तरह से विकास कर देंगे, इस तरह से युवाओं को रोजगार दे देंगे कि शायद जो मोदी जी का सपना है वो हम पूर्ण करेंगे। जी देखिएगा जी, मेरे घूमने पर तो मुझे नहीं लगा कि कुछ विकास हुआ है। जैसा कि मुझे लोगों से मिलकर के ओपिनियन मिला है कि क्षेत्र में, अभी मैं बड़ापुर क्षेत्र में होकर आया, इधर ठाकुर द्वारा क्षेत्र में होकर आया, इधर पागवाड़ा की तरफ अपनी पूरी लोकसभा का मैं दौरा कर रहा हूं, जगह गांव-गांव में जनसंपर्क, और क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। लोग सरकार से दुखी नहीं है, जनप्रतिनिधि से दुखी हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता तक पहुँच ही नहीं पा रहे, उनकी समस्याओं को सुन नहीं पा रहे हैं, जो सरकारी योजनाएँ उन तक लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे, उसमें वो असफल हैं। देखिएगा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, सरकार है कि जिसने आज हमारे मोदी जी के माध्यम से हमारा देश आज विश्व में शक्तिशाली देशों में चौथे स्थान पर रखा गया है। आज जो योजनाएं हैं मोदी जी की योजनाएं, पहले लोग कहते कि हमारी योजनाएं थी, कहीं नहीं, आज गड्ढा मुक्त सड़कों में भी होने में जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अंडर में आती हैं उन पर कार्य चल रहा है और अच्छे स्तर पर चल रहा है। बहुत सारी, जैसे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, और ये गैस की जो योजना है, घर घर गैस पहुंच रही है, सिलेंडर घर तक पहुंचता है पहले, और बुकिंग मोबाइल से हो जाता है, डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो मोदी जी के आने पे बहुत सारी एक छवि हमारे देश की उभरी है और एक विकल्प बन के मोदी जी बने। तो लेकिन जनता मोदी जी से त्रस्त नहीं है, मोदी जी से परेशान नहीं है, जनता केवल जनप्रतिनिधियों से परेशान है, परिवर्तन चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आना है तो टिकटों में परिवर्तन करना पड़ेगा, युवाओं को अवसर देना पड़ेगा। जी जी जी, देखिएगा, संगठन की कोई विजय नहीं होगी इसमें, जो मोदी जी के किए गए कार्य हैं बस वो लोगों तक पहुंच जाए और मोदी जी अच्छे प्रतिनिधियों को, अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन करके लेकर आए, तो संगठन, महागठबंधन ये सब रखा रह जाएगा। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी दोबारा से, और दोबारा से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम भी एक मोदी जी के लक्ष्य को लेकर के युवा चल रहे हैं। हम भी जैसे मोदी जी ने अपने क्षेत्र का, गुजरात को मोदी जी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही हमारा भी ये प्रयास है, अगर हमें पार्टी अवसर देती है तो इस मुरादाबाद को, उत्तर प्रदेश को हमारे नाम से जाना जाएगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष को हमारे नाम से, युवाओं के नाम जाना जाएगा। जी जी, देखिएगा, कहीं ना कहीं जो 5 स्टेट में जो हार हुई है, थोड़ी सी एक जो हमारा ये SC ST एक्ट वाला मुद्दा है ये उभरा है, जिससे कि जो स्वर्ण समाज है थोड़ा सा नाराज हुआ है उन्होंने। ये कांग्रेस की जीत नहीं है,
इसमें जो बीजेपी का वोट बैंक था वो ज़्यादातर लोगों ने नोटा का उपयोग किया, जो कि विरोधियों ने नोटा को एक ऐड बना करके लोगों में पेश किया और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो नोटा में परिवर्तित हो गए। और ऐसा नहीं है, लोगों को अभी यहाँ खुल जाएगी, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार वहाँ पर नहीं बनी है और कांग्रेस की सरकार आई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं हर रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, अल्लाह अकबर कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, ऐसे नारे लग रहे हैं और बहुत से देश विरोधी नारे लगने शुरू हो गए हैं। तो लोगों को समझ आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश हित में, राष्ट्र हित में, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। जी, मैं महानगर वासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं एक प्रयास कर रहा हूँ परिवर्तन के लिए, जैसा कि मोदी जी का सपना था कि युवाओं को आगे आना चाहिए। हर वर्ग से युवा मेरे साथ जुड़ रहा है, गांव गांव से युवा जुड़ रहा है, हर जगह से युवा जुड़ रहा है। मैं महानगर वासियों से निवेदन करता हूं कि वो मेरा साथ दें, मेरा सहयोग दें। अगर आज मैं सफल होऊंगा तो जो युवाओं के लिए मैं एक प्रेरणा बनना चाहता हूं, आप जो महानगर के वासी जो युवा हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, वो भी कल को प्रयास करेंगे और हर जगह युवा सोच होगी, युवा जोश होगा और युवा जोश के साथ युवा ही सरकार होगी और युवा व्यवस्था बनेगी। मैं सबसे हाथ जोड़कर महानगर वालों से अपील करता हूं, महानगर निवासियों से, कि मेरा साथ दें, तन मन धन से साथ दें। मैं उनकी जो सपने हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर इस तरह से खरा उतरूंगा कि वो याद रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई युवा निकला था और आगे युवाओं को भरपूर रोजगार मैं अपने क्षेत्र में ही उत्पन्न करके दूंगा, ऐसी मेरी कामना है।